आपने ट्रेनों में सफर तो खूब किया होगा। ट्रेन में सवार होते ही अपने आप भूख लगने लग जाती है। इस भूख को शांत करने के लिए कई लोग अपने घरों से खाना लाते हैं, तो कई लोग ट्रेन में ही खाना पसंद करते हैं। ट्रेनों में वेज और नॉन वेज दोनों तरह का भोजन मिलता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में एक ऐसी ट्रेन चलती है जिसमें लोगों को केवल शुद्ध शाकाहारी भोजन ही मिलता है? तो आइए जानते हैं कि वे मजेदार ट्रेन कौन सी है। भारत की एकमात्र शुद्ध शाकाहारी वाली इस ट्रेन का नाम वंदे भारत एक्सप्रेस है। वंदे भारत के नाम से देश में अब तक 3 ट्रेन चलना शुरू हो चुकी हैं। ये देश की सबसे तेज स्पीड वाली ट्रेनें हैं, जिनमें से 2 ट्रेनों में वेज और नॉन वेज दोनों तरह का भोजन मिलता है, जबकि दिल्ली से कटरा वैष्णो देवी चलने वाली ट्रेन में केवल शुद्ध शाकाहारी भोजन ही मिलता है। इस ट्रेन में सवार होने वाले यात्रियों को मीट, अंडा जैसी कोई चीज नहीं मिल सकती, उसे केवल शाकाहारी भोजन ही मिलेगा। ट्रेन की पेंट्री में भी किसी तरह का नॉनवेज आइटम नहीं रखा जाता और रेल का स्टाफ भी ट्रेन में ऐसी कोई चीज नहीं खा सकता। खास बात यह है कि शुद्ध शाकाहारी भोजन परोसने वाली इस ट्रेन में सफाई पर भी ध्यान रखा जाता है। इसकी निगरानी खुद IRCTC और NGO सात्विक काउंसलिंग ऑफ इंडिया मिलकर करते हैं। दोनों के बीच इस संबंध में समझौता भी हो चुका है। बड़ी बात यह भी है कि इस ट्रेन में सवार होने वाले किसी यात्री को भी घर से लाए नॉनवेज भोजन को ट्रेन में खाने की इजाजत नहीं है। उसे भोजन को या तो फेंकना होगा या फिर रेल से बाहर खाना होगा। अपनी इन दोनों विशेषताओं के चलते इस ट्रेन को सात्विक सर्टिफिकेट भी मिल चुका है। ये ट्रेन यानी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन दिल्ली से कटरा वैष्णो देवी तक जाती है। इस ट्रेन में सवार होने वाले करीब 80% यात्री वैष्णो देवी जाने वाले होते हैं, जो माता के दर्शन के लिए शुद्ध भावना से वहां जाते हैं। ऐसे में मांसाहारी भोजन से उनका मन खराब हो जाता है, वहीं शाकाहारी भोजन को भी इस वजह से लेने में हिचकिचाते हैं कि कहीं उसे बनाने में मांसाहारी चीज़ों का इस्तेमाल ना हुआ हो। इसके चलते रेलवे को काफ़ी नुकसान होता रहा, इसलिए सोच विचार के बाद रेलवे ने इसे पूरी तरह से सात्विक घोषित करने का फैसला लिया। अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।